हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और फैक्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कोहिनूर से जुड़े ऐसे फैक्ट बताऊंगा कि हमेशा की तरह आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं बिन मौसम बिना बताए आपके हमेशा होश उड़ाता रहता हूं। और गाइस, आपको वो बात मानने पे मजबूर कर देता हूं जो आपके टीचर्स ने गलत बताई या फिर बताई नहीं। सो गाइस, हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा कोहिनूर के फैक्ट की तरफ। कोहिनूर हीरे का नाम आपने सुना नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का सबसे कीमती डायमंड माना जाता है। फैक्ट नंबर फर्स्ट, फ्रेंड्स, क्या आपको आपके टीचर्स ने ये बताया है कोहिनूर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीन्स रोशनी का पहाड़ होता है। वेल गाइस, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि इस रोशनी नामक हीरे ने कई सल्तनतों के राजाओं के सिंहासन का सूर्यास्त कर दिया। जी हाँ गाइस, ऐसा माना जाता है कि ये हीरा शापित है और जिस राजा के पास ये हीरा होता है उसके सिंहासन पे खतरा होता है। और ये मान्यता 13वीं सदी से चलती आ रही थी। जी हाँ गाइस, 13 सेंचुरी से। फैक्ट नंबर 2, आपको ये नहीं पता होगा कि बाबरनामा बुक में कोहिनूर का पहला जिक्र किया है, और ये बात 1306 में पता चली। इस कोहिनूर को पहनने वाले एक शख्स ने लिखा, जो भी व्यक्ति इस कोहिनूर को पहनेगा वो पहले इस संसार पे राज करेगा और उसके बाद वो रास्ते से हट जाएगा। क्या आपको पता है कोहिनूर का नाम किसने रखा? ये हीरा 1739 से पहले मुगल सल्तनत के पास था। और गाइस, 1739 में ईरानी लुटेरा नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण करा, और फिर नादिर शाह उस हीरे को लेकर ईरान गया और उसने ही उसे नाम दिया कोहिनूर। और गाइस, फिर 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह को दुर्रानी के पास पहुंच गया। फैक्ट नंबर 4, अब आप सोच रहे होंगे कि कोहिनूर फिर भारत में कैसे आया? तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो गाइस, कोहिनूर अब तक अहमद शाह दुर्रानी के पास था। फिर मोहम्मद शाह ने अहमद शाह दुर्रानी को युद्ध में हरा दिया, और इसी युद्ध के दौरान अहमद शाह दुर्रानी, जिसके पास हीरा पहले ही था, वो कोहिनूर को लेकर भागते भागते लाहौर पहुंचा, और फिर कोहिनूर को पंजाब के राजा रंजीत सिंह को दिया। फ्री में नहीं दिया, रंजीत सिंह ने कोहिनूर के बदले शाह दुर्रानी को अफगानिस्तान का सिंहासन वापस दिलाया, और इसी दौरान कोहिनूर भारत में वापस आ गया। फैक्ट नंबर 5, फिर 14th सेंचुरी में कोहिनूर काकटीय वंश के पास आया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सन 1083 से राज कर रहे काकटीय वंश के अच्छे दिन समाप्त हो गए, क्योंकि गाइस तुगलक शाह से लड़ाई में हार के साथ काकटीय वंश का नाश हो गया। फैक्ट नंबर 6, आंध्र प्रदेश के गोलकुंड में मिला ये हीरा 5000 साल पुराना है, और उस समय इसका नाम शंभनाटक मणि था। माना जाता है कि खदान से निकला ये हीरा 793 कैरेट का था, 793 कैरेट का था। साल 1852 से पहले तक इसका वजन 186 कैरेट था, पर जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो किन को इसका शेप पसंद नहीं आया, इसलिए गाइस इसकी कटिंग दोबारा करवाई गई, जिसके बाद ये 108.9 कैरेट का रह गया। फैक्ट नंबर 7, बहुत लोगों को ये लगता है कि शुरू के जो मैंने आपको 5 फैक्ट बताए हैं वो एक वहम है, लेकिन गाइस इतिहास के पन्ने यही बताते हैं कि कई साम्राज्यों ने इसको अपने पास रखा, लेकिन वो कभी खुशहाल नहीं रह पाए और एंडिंग में तबाह हो गए। सो गाइस, ये फैक्ट जान के क्या आप अपने पास कोहिनूर को रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और आपके सामने इतिहास भी है और आपके सामने लाइक बटन भी है, सो हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो।